पिंक बोलवर्म का मिलन जो इसमें नर होता और मादा होता, नर और मादा को मिलन नहीं करने देता। जब मिलन नहीं होता इसका जो अंडा है ना वो अंडा फायदा ही नहीं होता। जब अंडा ही नहीं है ये कहाँ कैसे आता है? ऊपर से साइड ब्रांच जो निकलता है ना ऐसा, वहाँ पे एक बूंद लगाना है और 4 मीटर आगे जा सकता है, जितना भी पौने हो, 5 हो 6 हो 6 हो, 4 मीटर आगे जाके फिर से और एक लगाना पड़ेगा। पूरा वो रो होने के बाद 2 रो छोड़ देना सर, हर एक रो में लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तीसरा में लगाना है। ऐसा पूरा 400 जगह पे पूरा एकड़ में लगाए तो इसका काम हो जाएगा। गुलाबी सुंडी से बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, ये बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। ये इसको बहुत आसान है, इसको कुछ स्प्रे का ज़रूरत नहीं है और कुछ पानी में मिलाने का ज़रूरत नहीं है और इसमें कुछ टॉक्सिन भी नहीं है। ये ऐसा नया टेक्निक है हम लाए हैं, इसमें ये 125 ग्राम का पेस्ट मिलेगा। ये पेस्ट को एक एकड़ में लगभग अब फ्लावरिंग जब शुरू होता उसी टाइम पे, जब पौधा इतना हाइट में रहता वहाँ से शुरू करना पड़ेगा और एक बार लगाया तो इसको 30 दिन काम करेगा। ये कैसा काम करेगा या ये जानने के लिए बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कुछ मारने वाला नहीं है, कीट को मारने वाला चीज़ नहीं है। ये क्या करता है, एक अंडा जो देते हैं ना नर और मादा को, मिलन को उसका दोनों का मिलन का रोकदंग करेगा। रोकदंग करने से अंडा देना नहीं होगा, अंडा जब अंडा नहीं है तो कीट भी नहीं आता। से ऐसा नया टेक्निक है, ये भारत प्रभुत्व द्वारा प्रमाणित किया और इसमें पंजाब में बहुत सारा टेस्टिंग हो चुका है, महाराष्ट्र में बहुत हो चुका है और साउथ में, तेलंगाना राज्य में और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में बहुत सारा इसका यूज़ किया जा रहा है। सो इसके एक 125 ग्राम्स को ट्यूब को लेके किसी में पानी का मिन में मिलाने के लिए ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा ट्यूब लेना चाहिए, ये ट्यूब लेके ये ऐसा आसान चीज़ है। 125 ग्राम्स का ये ट्यूब लेता है, जैसा हमारा टूथपेस्ट जैसा आता है, इसको सिर्फ ऐसा खुल के एक बूंद लगाना पड़ेगा हर एक 4 मीटर को, एक ऐसा एक बूंद लगाना पड़ेगा। हर एक पौधे में लगाने का ज़रूरत नहीं है और हर एक रो में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक पौधे पे लगाने के, एक पौधे में समझ लो एक पौधा ऐसा है, ये साइज़ में होता, जब बारिश शुरू होता वहाँ पे ऊपर से साइड ब्रांच जो निकलता है ना ऐसा, वहाँ पे एक बूंद लगाना है, एक मटर का आकार में एक बूंद लगाना है। एक बार लगाने के बाद और 4 मीटर आगे जा सकता है, जितना भी पौने हो, 5 हो 6 हो 6 हो, 4 मीटर आगे जाके फिर से और एक लगाना पड़ेगा। ऐसा हर एक 4 मीटर को एक लगाना पड़ेगा। पूरा वो रो होने के बाद 2 रो छोड़ देना सर, हर एक रो में लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद 2 रो छोड़ देना चाहिए और तीसरा में लगाना है। ऐसा पूरा 400 जगह पे पूरा एकड़ में लगाए तो इसका काम हो जाएगा। हर महीने में एक बार लगाना है, सिर्फ आधा घंटा टाइम लेता है किसान के लिए और उसको कुछ भी हानिकारक नहीं है। इससे ये अच्छा है, पिंक बोलवर्म का मिलन जो इसमें नर होता और मादा होता, नर और मादा को मिलन नहीं करने देता। जब मिलन नहीं होता इसका जो अंडा है ना वो अंडा फायदा ही नहीं होता। जब अंडा ही नहीं है ये कहाँ कैसे आता है? किसान भाइयों कब जब सोचते हैं ये आंखें पूरा अंदर जाके खाने के बाद सोचते हैं, तब सोचे तो ये भी काम नहीं करेगा। इसको पहले से प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन क्योर, उसको रोकदम करना ही है एक इलाज है। अगर वो आने के बाद जो भी करना चाहते हैं वो काम नहीं करेगा। मानसून का सीज़न होता है, जब बारिश होता है ना तभी लगाना पड़ेगा। पहले बार एक महीने में एक बार एक ट्यूब एक एकड़ के लिए लगाना है। बीघे में देखें तो आपको ये लगभग 2 बीघे के लिए, नहीं 3 बीघे के लिए 2 ट्यूब, एकड़ के लिए 1 ट्यूब है। ये लगभग इसका है 1400 रुपीज़ रहता है एक ट्यूब एक एकड़ के लिए। सो लगभग 4000 रुपये हो जाएगा एक एकड़ के लिए लगाने के लिए। इसका काम, इसका देखे तो आधा किलो आधा क्विंटल का दाम भी नहीं होता है। 3 बार लगाना है ना, अनेक बार लगाना है, इसलिए एक महीने में एक बार लगाना है। पूरा फसल ख़त्म होने का तक 3 ट्यूब लगता है एक एकड़ के लिए। सो तीनों मिलकर आपको 4000 में हो जाए, उसका आधा क्विंटल का दाम समझना पड़ेगा। मगर ये लगाने से ये ऑल अक्रॉस द इंडिया ये प्रूव हो चुका है, इससे लगभग 4 से 5 क्विंटल ज़्यादा कपास आएगा।